ऐसा नहीं है कि हम जिस जंगल में चल रहे हैं यहाँ टाइगर नहीं है, जबरदस्त टाइगर की मूवमेंट है यहाँ पर, और उतना ही खूबसूरत जंगल भी है, बहुत ज्यादा जबरदस्त आला। वो देख रहे हैं आप इसकी खूबसूरती जंगल की, साल के पेड़, हरी पत्तियाँ, ताज़ी नई निकलती हुई, और जैसे ही जैसे शाम होती जाएगी उतना ही ख़तरनाक जानवर निकलने शुरू हो जाएंगे। मैं सोच रहा हूँ छोटे और मतलब जो इंटरेस्टिंग फैक्ट मेरे दिमाग में चल रहे हैं वो भी बता ही दूँ। हाँ बता दो। है ना, और क्या इतना खूबसूरत माहौल है, कंटिन्यू है, और गिद्ध के ही फैक्ट बताऊँगा क्योंकि हाँ। बहुत ज़्यादा फैक्ट्स हैं और जानना बहुत ज़रूरी है हमारे सब्सक्राइबर्स को भी, हमें भी मज़ा भी आया। तो दोस्तों बात करते हैं 10 और नए रोचक तथ्य। मैंने शुरुआत में बात करी थी वीडियो की कि 20 बताऊँगा, लेकिन मेरी सिचुएशन ये है कि मैं काफ़ी दूर भी आ चुका हूँ और फैक्ट बताते बताते सफ़र भी गुजर जाएगा और साथ साथ कुछ वाइल्ड लाइफ भी दिखेगी, तो उसको भी हम कैप्चर करने की कोशिश करेंगे। और शाम हो चुकी है, सनसेट देखें आप कहाँ पहुँच चुका सूरज, तो घर भी निकलना है हमें। तो बात करते हैं फैक्ट नंबर 21 की, कि पुरानी दुनिया के अधिकांश बड़े गिद्ध एक बार में केवल एक ही अंडा देते हैं, नई दुनिया के छोटे गिद्ध एक बार में दो अंडे देते हैं। मतलब कितना डिफरेंस है यार छोटे, ओल्ड एंड न्यू में ना। सही बात, कोई घोंसला बना रहा है तो कोई नहीं बना रहा है, कोई एक अंडे दे रहा है तो कोई दो अंडे दे रहा है, गजब फैक्ट्स। और एक महीने से अधिक समय तक उन्हें सेते हैं, ये नए गिद्ध की बात चली है कि नई दुनिया के छोटे गिद्ध एक बार में दो अंडे देते हैं और एक महीने से अधिक समय तक उन्हें सेते हैं। टाइगर टेरिटरी में पैदल चलते लोग, खतरनाक। ये मुझे थोड़ा सही नहीं लगा कि कुछ ज़्यादा शाम का वक्त है, बिल्कुल इस वक्त वाइल्ड लाइफ एक्टिविटी बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है। देखा नहीं तुमने तो डियर्स निकल के गए, और ऐसे टाइगर भी जाएगा। जबकि नई दुनिया के बड़े आकार के गिद्ध एक बार में एक अंडा देते हैं और उसे लगभग दो महीने तक सहते हैं। इसमें कन्फ्यूज़न यह है दोस्तों कि यहाँ पे बड़े आकार के गिद्ध की बात चल रही है और छोटे गिद्ध एक बार में दो अंडे देते हैं और नई पीढ़ी है दोनों तरफ। तो दोस्तों बात करते हैं फैक्ट नंबर 21 की, पुरानी दुनिया के अधिकांश बड़े गिद्ध। ओ भाई क्या हो गया इनकी गाड़ी को, देखो ना जंगल है और ख़तरनाक है, जानवरों को निकलने का समय हो रहा है, उतनी ही हमें सिचुएशंस देखने को मिल रही हैं। थोड़ा थोड़े जल्दी चलते हैं ना, वहाँ सनसेट दिखता है। तो मैं बात करते रहता हूँ अपने फैक्ट्स की, कि फैक्ट नंबर 21, पुरानी दुनिया के अधिकांश बड़े गिद्ध एक बार में केवल एक ही अंडे देते हैं और नई दुनिया के छोटे गिद्ध एक बार में दो अंडे देते हैं और एक महीने से अधिक समय तक उन्हें सेते हैं। जबकि नई दुनिया के बड़े आकार के गिद्ध एक बार में एक अंडा देते हैं और उसे दो महीने तक सेते हैं। बहुत ज़्यादा कंफ्यूजिंग फैक्ट है लेकिन अच्छा है फैक्ट। और फैक्ट नंबर 22, अन्य शिकारी पक्षियों की तुलना में गिद्ध धीरे धीरे परिपक्व होते हैं। शिकारी मतलब मांसाहारी पक्षी जैसे ईगल, वैसे ही कुछ वल्चर के बारे में बताया गया है कि ये धीरे धीरे परिपक्व होते हैं। फैक्ट नंबर 23, गिद्ध एक बच्चे को जन्म देने के बाद 2 से 3 महीने तक घोंसले में रहते हैं और भोजन के लिए अपने माता पिता पर निर्भर रहते हैं। मतलब गिद्ध के बच्चों की बात चल रही है। ये और क्या सनसेट है, एक मिनट रुक जाए यार। कॉलिंग की आवाज आई यहां से, यहां सनसेट हो रहा है और वाइल्ड लाइफ एक्टिव हो रही है।
तो दोस्तों कुछ देर हमने कॉलिंग रिकॉर्ड की है, कैप्चर की है कैमरे में, ज़्यादा देर रुक नहीं सकते थे, थोड़ी सी कॉलिंग, लेकिन कॉलिंग छोड़कर आए हम, सोचिए क्योंकि शाम का वक्त है अभी पूरा रास्ता। और ये भाई ताज़ी लीड है भाई, हाथी इसका मतलब ऊपर की ओर गए हैं, जंगल की ओर। काफ़ी ख़तरनाक माहौल होता जा रहा है। तो हम बात कर रहे थे फैक्ट नंबर 24 की, 3 से 6 महीने की उम्र में गिद्ध के बच्चे उड़ने के लिए पूरी तरह तैयार हो जाते हैं। उस समय उनका आकार पूर्ण परिपक्व गिद्ध के समान विकसित हो चुका होता है और उनके पूरे पंख भी आ चुके होते हैं। जब पूरे पंख आ जाते हैं और पूरे परिपक्व हो जाते हैं तब वो उड़ने लायक हो जाते हैं। और कब होते हैं वो? 3 से 6 महीने की उम्र में। फैक्ट नंबर 25, नई दुनिया के गिद्ध लगभग खामोश रहते हैं, उनमें सिरिंग्स और वोकल ऑर्गन नहीं होता। उनकी आवाज़ घुरघुराने, सिसकने, चोंच किटकिटाने तक ही सीमित है, जिन्हें जटिल मतलब वोकल कॉर्ड्स की आवश्यकता नहीं पड़ती। अलग अलग प्रजाति में अलग अलग खूबियाँ, और नई दुनिया के गिद्ध हैं। अभी उनकी खासियत है या उनकी कमी है कुछ, ये कुछ नहीं कह सकते हम, है ना। जो चीज़ कम होगी ना तो कुदरत ने कोई और चीज़ स्ट्रॉन्ग बनाई होगी, और क्या। तो फैक्ट नंबर 26, अधिकांश गिद्धों के गले में एक बड़ी थैली होती है जहाँ वे भोजन को स्टोर कर सकते हैं। जैसे थैली मीन्स हमारा पेट होता है, वैसी उसी प्रकार से थैली जो बोली गई है वो भी उनका पेट होता है, या स्टोरेज वाला एरिया कह लें। फैक्ट नंबर 27, उष्ण वायु मतलब थर्मल विंड्स, या कह लें गर्म हवा, गिद्ध को अधिक ऊंचाई में उड़ान भरने और बिना पंख फड़फड़ाए लंबे समय तक उड़ने में सहायक होती है। ये भी इंटरेस्टिंग फैक्ट है, देख लीजिए दोस्तों कैसे कैसे गजब के फैक्ट हम आपको बता रहे हैं। बस आप लोगों को ये करना है कि लाइक का बटन ज़रूर दबाना है, पूरी वीडियो में मेहनत लगी है और बीच जंगल में आपको हम फैक्ट बता रहे हैं, ना कि घर बैठे। बिल्कुल ज़बरदस्त जंगल पड़ने वाला है, मुझे लग रहा है नाइट हो जाएगी आज, और क्या, अंधेरा हो जाएगा इसी जंगल में, और ग्रासलैंड से भी अंधेरे में होकर ही गुजरना होगा छोटे, बहुत डेंजर होने वाली है ये। बीच में पड़ने वाला है अभी ज़बरदस्त, जो सबसे बड़ा टाइगर है जंगल का उसकी टेरिटरी, और वीडियो भी बहुत लंबी बनने वाली है। कोई बात नहीं, पार्ट्स में डिवाइड कर देंगे, आप लोग फुल्ली इन्जॉय करें इस वीडियो को। बात करते हैं फैक्ट नंबर 28 की, जब एक गिद्ध परेशान होता है तो उसका सिर लाल हो जाता है और ऐसा लगता है कि वह शर्मा रहा है, मतलब टेंशन में होता है और लाल हो जाता है, इसका मतलब ब्लड सर्कुलेशन ऐसा कुछ होगा ना, तो उसकी वजह से ऐसा होता होगा। ईगल की आवाज़ है अंदर से। फैक्ट नंबर 29, तिब्बतियन स्काई ब्यूरियल एक धार्मिक अनुष्ठान है जिसमें शरीर को काटकर गिद्धों को खिलाया जाता है। ओ पैराडाइज, पैराडाइज ड्रीम। आवाज़ रिकॉर्ड, यहाँ पर है, ये गई, मेरा हाथ आ गया, सॉरी। एशियन पैराडाइज फ्लाई कैचर, या इंडियन पैराडाइज फ्लाई कैचर कह लें, और एक नहीं है, 3-4 हैं यहाँ उड़ रही हैं, लेकिन समय बहुत ज़्यादा गलत है। ये बार देख लेते हैं यहाँ ट्राई करके, देख रहे कोशिश करिए क्या हो रहा है। रहने दो, चलो चलते। क्या क्या वो ग्रेट हॉर्नबिल है, हॉर्नबिल, ओह माय गॉड, देख थोड़ा आगे बढ़ा के देख, लास्ट पास देख लो यार, बड़ा डेंजर जंगल है, सबसे ज़्यादा डेंजर। वो बैठा दिख रहा है क्या कैमरे में, देखो। हाँ दोस्तों, ये है ग्रेट हॉर्न बिल, जो कि थोड़ा सा आड़ में हो गया है, चोंच दिख रही है इसकी, लेकिन उसके हॉर्न्स भी, वाओ
वो गया, थोड़ा सा आगे बढ़ाना छोड़े, बाबा 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 बस। रोशनी बहुत कम है, सूरज बिल्कुल लगभग ढल चुका है। एक्टिविटी देखें आप। तो दोस्तों ये है ग्रेट हॉर्नबिल, कितना बड़ा है, कैमरे में भी नहीं आ रहा है, थोड़ा सा जूम कम करते हैं। ब्यूटीफुल, रोशनी बहुत ज़्यादा कम है, बहुत ऊपर है, सुंदर कितना, ब्यूटीफुल। इसकी एक्टिविटी देखें आप, ज़्यादातर पेयर में रहते हैं, फिलहाल अभी अकेला दिख रहा है मुझे, इसका शादी कहीं ना कहीं होगा। लेकिन मैं आपको बताऊं, 3 से 4 पक्षी थे, कौन से, इंडियन पैराडाइज फ्लाई कैचर, कैसे उड़ रहे थे फैसल, व्हाइट कलर के, ब्यूटीफुल, ऐसे लहराते हैं, वो कैसे लहराते हैं बता जरा। हाँ यही तो उसकी खासियत है, दिल छू लेती है, जन्नत का एकदम मज़ा दे देती है वो, कि उसको उड़ने का जो तरीका है। थोड़ा स्टार्ट करके लाइट जला के चलना पड़ेगा, और क्या, कोई सा जानवर पानी पीने के लिए जा सकता है। टाइगर कहीं भी दिख सकता है, ध्यान से ध्यानपूर्वक चलना। हाँ मैं बीच में चलने वाला हूँ बस। हम बात कर रहे थे फैक्ट नंबर 30 की, 1990 के दशक के बाद 97 से 99% गिद्धों के विलुप्त हुए हैं। लड़के हमें देखकर हंस रहे हैं। हंसे क्यों होंगे भाई? गिद्ध के फैक्ट बता रहे ना इसलिए। अच्छा, खतरनाक टाइगर की टेरिटरी है ये। और वो लोग तो न्यूट्रल जा रहे हैं, उन्हें क्या पता क्या है यहाँ पर, सबसे डेंजर टाइगर है इसी एरिया में। पहले तो हम शांतिपूर्वक यहाँ से निकलते हैं। और इस टाइगर के लिए मैं बता दूं, कॉलिंग नहीं होती है, ये डायरेक्ट निकलता है, डायरेक्ट निकल जाता है कहीं भी। वो घना जंगल है दोनों तरफ, मैं तो किनारों पर देखता हुआ चल रहा हूँ, बस निकल के चलना है। किसी आवाज़ में ना दिल में दहशत डाल देगी। अरे सामने आ गया तो दहशत हो जाएगी, जैसे भी एक बार आ चुका है वो। पर तब तो हम कार में थे उस टाइम। हाँ दोस्त, आज बाइक पर है। इंस्टाग्राम पर जो दोस्तों आपने फोटो देखा होगा वो इसी एरिया का है, यहाँ से, इस एरिया का, यहाँ से गया था वो टाइगर जिसका नाम है विराट, यहाँ से निकला था वो। लेकिन वो तो कहीं से भी निकल सकता है, कोई गारंटी थोड़ी है। हाँ उस टाइम वहाँ से, बहुत बड़ा दायरा होता है इनका। सही बात है। चलिए वहाँ तो आता फैक्ट्री बताते रहते हैं आपको। देखिए प्यास लग रही है, मुंह सूख चुका है, लेकिन सही जगह पर ही पानी पियेंगे आप। तो बात करते हैं फैक्ट नंबर 30 की, 1990 के दशक के बाद 97 से 99% गिद्ध विलुप्त हुए हैं। इसका प्रमुख कारण पशु दवा डाइक्लोफेनेक है। जी हाँ, इसका बहुत बड़ा कारण डाइक्लोफेनेक दवा रही है। और ये देखिए फैक्ट, तेज रफ्तार में गाड़ी चलाते हुए। आगे तो जो लड़के थे वो तो आगे रुके हुए हैं, अभी बताना पड़ेगा ना क्या करने के लिए रुके हैं वो। वाओ, नेचर कॉल, नेचर कॉल के लिए, वो भी क्या यार, मैं कुछ नहीं बताऊंगा यार, क्योंकि बताने वाला बेवकूफ कहलाता है, मुझे तो ऐसी नजर आता है यहाँ पर। तो बात कर रहा था जो दवाई है डाइक्लोफेनेक,
उसकी वजह से बहुत ज़्यादा असर पड़ा है गिद्धों पर और विलुप्त हुए हैं। और देखिए ऐसे नहीं, 97 से 99%, क्योंकि हमारे पिताजी बताते हैं उनके टाइम पर जब वो छोटे थे तो गिद्ध उनकी छतों पर ऐसे ही मंडराते रहते थे। जैसे आजकल चीले दिखती हैं वो भी कम हो चुकी हैं, वैसे ही गिद्ध दिखते थे बहुत ज़्यादा भारी मात्रा में। लेकिन जब से ये डाइक्लोफेनेक दवा का यूज़ पशुओं को दिया देने के लिए हुआ है ना, जो पशु चिकित्सालय में दिए जाती है, तो वो इनके ऊपर बहुत ज़्यादा असर करा। वो क्यों करा वो भी बताते हैं।